सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत। NH 31 पर नवादा के सद्भावना चौक के पास ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर गई जान, लोगों ने किया सड़क जाम। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी चौक पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में बैंक लूटने आए अपराधियों से मुठभेड़, गोली लगने के बाद चार को। नगर निगम के खिलाफ दुकानदारों का फूटा गुस्सा, मुजफ्फरपुर में टायर जलाकर किया सड़क जाम, जल जमाव और गंदगी की वजह से नहीं चल रही दुकानदारी। ट्रेन से कटकर युवक की मौत, सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया ढेंग रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, सबकी पहचान भी नहीं हुई है, स्थानीय थाना से भी पता कर रही है पुलिस। तेजस्वी यादव से बढ़ती नजदीकियों पर बीजेपी ने कह दिया, चिराग पासवान NDA का हिस्सा है और रहेंगे। हाजीपुर में तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में जुटे राजद कार्यकर्ता, MLA डॉक्टर मुकेश रोशन के नेतृत्व में उमड़ी भीड़, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के लगे नारे। बाहर निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, कूड़े के ढेर पर बारिश ने बढ़ाया बीमारी का खतरा, फेफड़े के संक्रमण से बढ़ेगी परेशानी। मुजफ्फरपुर में जंक्शन पर बच्चों की पढ़ाई, स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर फेंके हुए पानी की बोतलें बेचकर नशा करते थे बच्चे, रेलवे चाइल्ड लाइन की ओर से बच्चों को किया जा रहा शिक्षित। करंट की चपेट में आने से बच्चे की मौत, पटना के फुलवाड़ी शरीफ में करंट से बच्चे की गई जान, एक घायल, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बिहार में बस चालकों की मनमानी, पटना ISBT के बाहर खड़ी बसों पर बड़ा एक्शन, 12 बस मालिकों पर कार्रवाई, 66,000 की वसूली। जनता दरबार में CM को आया गुस्सा, युवती बोली, सर अफसर कहते हैं उसके प्रोत्साहन का पैसा सृजन में चला गया, युवक ने कहा, आपके अधिकारी घूस मांगते हैं, CM हो गए आग बबूला। 12 घंटे में पकड़ा गया मुजफ्फरपुर पुलिस अभिरक्षा से फरार शातिर, दूसरे के घर में सोया हुआ था, सिविल ड्रेस में पुलिस कर रही थी रेकी, कोर्ट परिसर से हुआ था फरार। PMCH में MBBS के फेल स्टूडेंट ने बंद कराई OPD, बीमार बच्ची को गोद में लेकर जाती दिखी माँ, रेडियोलॉजी विभाग को भी मेडिकल स्टूडेंट ने कराया बंद। बिहार में नहीं थम रहा बुखार का कहर, कोरोना वायरल डेंगू मलेरिया के बीच अब स्वाइन फ्लू की भी दहशत, डॉक्टरों ने कहा घबराना नहीं, समस्या बढ़े तभी ले परामर्श। पटना के युवाओं का कमाल, सफाई कर्मियों के हड़ताल के कारण जब बीमार पड़ने लगे लोग, तब मोहल्ले के युवाओं ने साफ किया 5 घंटे में 6 किलोमीटर तक का।